दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंद्री जुलाब के बारे में। दोस्तों आयुर्वेद की जब चिकित्सा की बात आती है तो आयुर्वेद में चिकित्सा शुरू करने के पहले ब्रेचन या बमन या जुलाब की बात होती है। कोई भी चिकित्सा शुरू करने के पहले हम बमन करते हैं या ब्रेचन करवाते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि जब भी कोई चिकित्सा हम शुरू करेंगे तो हम पहले पेट साफ करवाएंगे या उल्टी करवाएंगे, उसके बाद कोई चिकित्सा शुरू करेंगे। आयुर्वेद का मानना है कि किसी भी रोग का चिकित्सा करने के पहले हमें उस शरीर के विषात्मक पदार्थ को साफ करना जरूरी होता है। इसीलिए किसी भी वैद्याचार्य के द्वारा या किसी भी हकीम के द्वारा सबसे पहले ब्रेचन करवाया जाता है। सभी लोग ब्रेचन या बमन अपने अपने तरीके से करवाते हैं, जिसको जो ठीक लगता है। तो दोस्तों जब पेट संबंधित परेशानियों की बात आती है तो हम जुलाब के द्वारा या किसी भी गोली के द्वारा पेट साफ करते हैं, जिसको ब्रेचन बोलते हैं। पर दोस्तों जब कभी बात आती है कि हमारे मूत्र संबंधित कोई रोग हो, जैसे कि मूत्र संबंधित कोई इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, या गुप्त अंगों में कोई पस वाला कोई रोग हुआ हो, घाव वाला कोई रोग हुआ हो, या किसी प्रकार का पिरदर रोग हो, या अस्मरी की परेशानी हो यानी पथरी की परेशानी हो, या कोई गुप्त रोग हुआ हो, या पस आने की परेशानी हो, या ब्लड आने की परेशानी हो, तो उसकी सफाई हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों जब इस तरह के रोगों की संभावनाएं बनती हैं तब आयुर्वेद में इंद्री जुलाब करवाया जाता है। इंद्री आयुर्वेद में हमारे गुप्त अंगों को ही बोली गई है, जो मूत्र संबंधी हमारे गुप्त अंग होते हैं उनको बोला गया है। जब हम इस प्रकार की चिकित्सा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इंद्री जुलाब करवाते हैं, मतलब हम अपनी किडनियों की सफाई और मूत्र संबंधित जो हमारे अंग हैं उनकी सफाई करना जरूरी होता है। जब किसी को ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाता है कि जिसके पेशाब में कोई बदबू आ रही होती है, या पेशाब में ब्लड आ रहा होता है, या पेशाब में मवाद आ रही होती है, या गुप्त अंगों में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिससे उनके गुप्त अंग में घाव हो जाता है, तो इस तरह की जब आयुर्वेद में चिकित्सा शुरू किए जाते हैं तो सबसे पहले इंद्री जुलाब किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कई लोगों की लिंग में कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, या कई महिलाओं की योनि में कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। योनि में से रक्त निकलता है, या सफ़ेद पानी की तरह निकलता है, या पस निकलता है, या बहुत ज़्यादा बदबू आती है। वही जब पुरुषों के लिंग में इस प्रकार की परेशानी होती है कि वहाँ पर कोई दाने हो जाते हैं, या वहाँ पर कोई घाव हो जाता है, या वहाँ पर खुजली होती है, या तरह तरह के गुप्त रोग हो जाते हैं, तो दोस्तों जब ऐसी कभी संभावना किसी वैद्य के सामने या हकीम के सामने आती है तो वह सबसे पहले इंद्री जुलाब करता है। आयुर्वेद में इंद्री जुलाब के कुछ तरीके बताए गए हैं, अपने अपने तरीके से वैद्य या हकीम इंद्री जुलाब करते हैं, और दोस्तों इंद्री जुलाब करने का तरीका अलग अलग बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक कुछ सरल तरीके बताता हूँ जिससे इंद्री जुलाब होता है। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि इंद्री जुलाब करने से फ़ायदा क्या होता है। इंद्री जुलाब करने के पहले दोस्तों जब हमारे शरीर में इस तरह के रोग होते हैं तो उनकी सफाई करने से जो भी हम चिकित्सा करते हैं तो वह चिकित्सा तुरंत काम करने लगता है। तो इंद्री जुलाब करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हमारे मूत्र में रुके हुए विषैले पदार्थ हैं वह निकल जाते हैं और हम जो दवा करेंगे वह अच्छा काम करने लगता है। उसी प्रकार दोस्तों जब इंद्री जुलाब करते हैं तो क्या क्या उपयोग करते हैं, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जब बारी आती है इंद्री जुलाब की तो दोस्तों इंद्री जुलाब करने के लिए बहुत सारा पानी पीने के लिए या बहुत सारा मट्ठा पीने के लिए वैद्य या हकीम लोग बताते हैं। तो दोस्तों खाली पेट सुबह उठकर बहुत सारा मट्ठा पीना या बहुत सारा पानी पीना, फिर पेशाब खुलकर करना, ये इंद्री जुलाब की ही एक प्रोसेस है। दोस्तों जब प्रोसेस काम नहीं करती या कुछ परेशानियाँ ज़्यादा रहती हैं तब कुछ और उपाय होते हैं। तो दोस्तों एक उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ कि गोखरू के बीजों को 1 गिलास पानी में 5 ग्राम डालकर अच्छी तरह से गर्म करके, और जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए 5-10 मिनट बाद उसको उतार कर छान कर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से भी हमारा इंद्री जुलाब बहुत अच्छा होता है, खुल के पेशाब आती है, रुके हुए विषैले पदार्थ ठीक हो जाते हैं, पथरी संबंधित कोई परेशानी होती है तो वो ठीक हो जाती है, छोटा मोटा स्टोन जो होता है वो निकल जाता है, या रुके हुए कोई भी विषादमय पदार्थ जैसे कि मवाद भरा हो, या मांस के कतरे रुके हुए हों, या किसी भी प्रकार की चीज़ हो, वो सब बाहर निकल जाती है। जब दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है कि हम किसी को कुछ ज़्यादा पिला नहीं सकते तब एक उपाय आयुर्वेद में और बताया गया है जिसको हम लेपन की विधि से हम इंद्री जुलाब कर सकते हैं। दोस्तों इस में क्या औषधि होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। इसमें हम उपयोग करते हैं पत्थर चटा की जड़, जो स्टोन किलर जो प्लांट होता है उसकी जड़ को लेके, और इसमें कलमी सोडा मिलाते हैं, दोनों को 50-50% मात्रा में लेते हैं और इसको अच्छा बारीक पीसते हैं। पीस के इसको गौमूत्र में या मट्ठे में पेस्ट बनाते हैं और नाभि के नीचे इसको लेप कर देते हैं। इसका लेप होते ही आधा घंटा में रुके हुए जितने भी पदार्थ होते हैं सब पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, और जितना पानी पीते हैं उतना पूरा का पूरा पानी पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इंद्री जुलाब बताया गया है।
कई वेदाचार, कई हकीम लोग अपनी अलग प्रोसेस करते हैं, लेकिन वह प्रोसेस थोड़ी सी जानकारी होने के बाद ही की जा सकती है। जैसे कि मूली क्षार का उपयोग करना, अपामार्ग क्षार का उपयोग करना, यव क्षार का उपयोग करना और मूली क्षार का सोड़े का उपयोग करना, इस तरह का उपयोग करने से कई तरह अच्छी तरह से इंद्रिय जुलाब हो जाता है, पर ये किसी वैद्य हकीम की देखरेख में होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको घरेलू तरीके भी बताए, इसकी जानकारी भी दी। इससे संबंधित अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ मुझे सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, मुझसे व्हाट्सएप पर चैट करें। दोस्तों, कुछ बीमारियों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे कि गुप्त रोग, कैंसर, HIV। आगे चल के मैं आप लोगों को इन सब रोगों के बारे में बात करूंगा और इलाज बताऊंगा और इलाज करने के प्रूफ दूंगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा शुरुआत में इन सब के बारे में आपको बात की जाए, जानकारी दी जाए। आगे चल के दोस्तों, मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने वाला हूँ, तो आप चाहें तो जुड़कर रह सकते हैं। और दोस्तों, अगर कुछ आप लोग मुझे सलाह देना चाहें या कुछ अच्छी सलाह उन चीज़ों से संबंधित आपके पास होती है तो आप मुझे दें, क्योंकि दोस्तों ज्ञान हमेशा अधूरा होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी होती है। और दोस्तों, इंद्रिय जुलाब से संबंधित अगर कुछ परेशानी है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स पर भी डालकर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करके भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। दोस्तों, कॉल ना लगाएं, ओनली चैट करें, मैसेज करें या वॉइस मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और रात को कॉल ना करें, 12 बजे के बाद कॉल ना करें, सुबह 12 बजे के पहले कॉल ना करें, दोपहर को 12 बजे से रात को 12 बजे तक आप मैसेज करें, मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आगे चल के हम कुछ और विशेष रोगों पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग जुड़कर रहें, बहुत से फायदा होने वाला है। जिन चीज़ों के कारण से आज मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा परेशान है, गरीब आदमी बहुत परेशान है और कुछ रोगों के कारण पूरा परिवार तबाह हो जाता है, जिंदगी भर की कमाई पूरी नष्ट हो जाती है, ऐसे रोगों के बारे में आगे चल के मैं बात करने वाला हूँ और आप लोगों को अच्छी जानकारियाँ और अच्छे इलाज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सब लोग जुड़कर रहें, अगर कुछ कमी लगती है, कुछ आपको गलत बात लगती है तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ करिएगा और मुझे अच्छी सलाह दीजिएगा। मैं दोस्तों आपसे जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद।